तो वो ओपन ही होता था लाइक like, कोई बेल हुई है ना तो आपने अगर देखना है कि कौन आया है तो वो बंदा खड़े हो हो के चला जाएगा तब तक हमारा ऐप खोलता नहीं था हमारे जो डोर बेल का कैमरा तो मैं बड़ा तंग हो रही थी और फिर साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ दिनों से हमारी जो डोर बेल की रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही थी क्योंकि ये होती है सेंसर पर होती है जैसे कोई चीज़ वो सेंस करता है कोई मूवमेंट कोई चीज़ भी तो ये उसकी उसका एक वीडियो क्लिप सा बना लेता है तो मैं नोट मैं एवरी डे देखती हूँ कि हमारे घर में रात में क्या हुआ दिन में क्या हुआ मैं रात को सोने से पहले पूरे दिन के हाइलाइट्स देख के सोती हूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था इनको मैंने कॉल किया कंपनी वालों को तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम भेज देते हैं किसी को तो वो आ जाए और उन्होंने बोला कि आपकी ये तो डोर बेल ख़राब हो चुकी है हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो बस अभी ये रिप्लेस हो रही है हमारी डोर बेल और फिर मुझे सुकून आएगा क्योंकि मुझे अब इन कैमरास की इतनी आदत होगी कि इनके बगैर मुझे लगता है मेरी लाइफ अधूरी है ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर घर के कैमरास काम ना कर रहे हो तो कैमराज नया लगा कैमरा नया लगा नोट कैमराज कैमरा, कैमरा नया लगा तो उसकी वजह से इसको पूरे घर के जो सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा से रीसेट करना पड़ा वरना वो सारी चीज़ें अलग से काम करती हैं और ये इसको अलग से वो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते थे तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सुबह का तकरीबन डेढ़ दो घंटे तो इस बंदे के मौजूदगी और इसके काम में ही गुजर गया तो इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि जिब्राइल को हमने दिया है जी बड़ा मज़े का एक गिफ्ट आपको दिखाते हैं कि उसको क्या मिला है बड़ी एक्साइटेड है बड़ी खुश है तो आपको ले के जाऊंगी और आपको दिखाऊँगी ताकि आपको भी पता चले कि बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना ट्रस्ट ट्रस्मी उनसे बड़ी आपको दुनिया में कोई ताकत नज़र नहीं आती आपको जब बच्चों के चेहरे पे ख़ुशी नजर आती है स्माइल नज़र आती है तो लगता है जैसे आपका दिल का ना कोना कोना खुश हो गया इसी खुशी को हासिल करने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं करता अपने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए बच्चों को वो सब खुशियाँ देने के लिए जो उनकी ज़रूरत है या जो वो चाहते हैं तो दिखाते हैं आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जिब्राइल को क्या मिला इससे आगे मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी इसके आगे, आगे आपको आवाज़ें सुनाई देंगी हमारे पूरे घर वालों की कि हमने जिब्राइल को गिफ्ट दिया जिब्राइल को पता नहीं था कि हम उसके लिए क्या लेके आए उसको पता था कि हम उसके लिए कुछ लाने लेने के लिए गए हैं लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हम क्या लाएंगे और जब हम लेके आए तो उसके लिए बड़ा सरप्राइज़ था तो अब वो सरप्राइज़ तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन ये है कि सरप्राइज़ के बाद का जितना भी वो सारा सिलसिला है जिस तरह से हम लोगों ने उसको गिफ्ट दिया और उसको वो

ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਿਕਮੈਂਡਰਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਕਲੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗਨੇ ਵਾਗੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਲੈਣ ਸੰਦੀਪ ਜੁਲਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੇਚਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਕੋ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਦਾ ਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪੈਲੇ ਪਾਇਆ ਹਨ ਛੋਟੇ ਡਾਇਮੰਡਸ ਇਹਨੇ ਤੇ पर हूँ छोटे हो गए ये है उतारू है हूं असि गोल्ड दे पाऊ है इन हूं जाना दे बाबा तुम पहले मैं उतारा पर मेरे नेल्स से नाकारा कर दें ना मेनू मेनू नहीं कर दें एक सेकंड। नहीं तुम उतारना नो बस ये पुल कर लो ए पुल कर लेन हां दिस इज रेगुलर ईयर स्टॉपर ध्यान देना द मुंह हाथ वास्ते क्योंकि बाबा दे हाथ नहीं ओ दे मुंह ते वाले ना

I'll move my hair, Baba. For the record, this <laughs> video. Then make a hair tie card for me, Jibrayil. Also, just to fix my hair. For the record, this entire video is Baba's hand and elbow. Ma, chalo, oh. logonu pata lagse ke Baba the hand is here. Oh, Adade mitto. One second, chalo Jibrayil, dekha? Wow, why are you doing this? It's okay. This so we hard. have to clean it. Under, koi भी gunk गंक वगैरह तो निकला उसी पे. There you go. Chalo. एक सेकेंड यार मैं एवरटू स्क्रू तो सीख लेना। अम्मा आप पे करें। होते कर जिब्राइल गर्ल। Okay I don't know what you want me to do. Wow. Well. It's okay, Jibrail. I know it's little mota. This stick थोड़ी thick है. Like you. Yeah. There you go. जाना बाबा बहुत ज़्यादा आगे तक ना करें। ओये अच्छा oh, yeah, ना। जीबा move like this.

जी आपको एक बड़ी मजे की चीज़ दिखाऊं पहले तो ये जब्राइल ने जो ईयर रिंग्स पहने है ना ये देख लें आप माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं इसको ये देखा जी भी ये देखें इसको ये अच्छे लग रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे इसके जो बाल है ना वो इतने कोई प्रॉपरली नहीं बने तो इसने बनवाई हैं जी टू फ्रेंच ब्रेड्स दो पास वे कहा जब्राहल ये देख लें ये इसके हमने बनाई है जी टू फ्रेंच ब्रेड्स और इसके बाल गीले हैं ये अभी शॉवर लेके निकली है और ये क्यों हमने बनाई है जब्राहिलल क्यों बनाई है नहीं Head, uh, baby, चलो जी इसको तो ना करली बाल और वेवी बाल चाहिए तो इसने कहीं देखा कि गीले बालों की अगर ब्रेड्स बना लो तो उसमें वेव्स आ जा जाते हैं उसमें कर्ल आ जाते हैं तो ये इसने मेरे से भी जाके बनवाई हैं और ये ज़रा चेक कर लें इसका आए हाय हाय वेखो ऐमें रफ़ रफ यही रफ बनाई हैं ना जी कोई नहीं इन जी ध्यान देता लेकिन ये बड़ी अच्छी लग रही है बाल सिमट गए हैं जी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि ये इसको ना जिस ये भी ना वो कहते हैं ना कि इंसान अपने हाल पे खुश कोई नहीं है जिसके वेवी हैं उसको करली चाहिए नहीं उसको स्ट्रेट चाहिए जिसके स्ट्रेट हैं उसको करली चाहिए तो अब इसके माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बाल हैं बेब्रस के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है ना उसके तो खैर ये ब्रेड्स भी बनाऊँ तो उस पर असर नहीं होगा जीब्राइल के बड़े अच्छे वेवी से बाल हैं बहुत प्यारे ऊपर से स्ट्रेट नीचे से वेव्स हैं लेकिन इसको थोड़े कर्ली चाहिए होते हैं बाल तो बस इसके लिए मैंने अभी ये ब्रेड्स बनाए तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूँ कि हमारे घर में ये टिप हो रही है आजकल कि अगर बाल में थोड़ा कर्ल और वेव्स चाहिए नेचुरल वेव्स तो बस अपने बालों को ना गीला करके तो ये बना लो तो बस मैंने कहा अब आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ और अब हम जा रहे हैं जितने जाना जॉब से लेने और हमारे पास आ गई है जी फिर से स्नो जी जनाब स्नो आ चुकी है और अभी हम शाम में कॉफ़ी पीने के लिए गए थे तो ज़रा भी स्नो नहीं थी लेकिन जैसे हम लोग कॉफ़ी पी के निकले ना तो मुझे लगा जैसे ना हवा में कुछ ठंडक सी थी तो मुझे लगा कि ये कोई स्नो तो नहीं आने वाली मैंने वेदर चेक नहीं किया हुआ था तो मैंने जब वेदर चेक किया तो स्नो आ गई थी जनाब लेकिन अगले दो तीन दिन में शायद ये मेल्ट हो जाए क्योंकि टेम्परेचर प्लस में चला जाएगा तो स्नो तो आ गई है और अभी मैं और दजाना के बाबा मिल जा रहे थे दिजाना को लेने क्योंकि हम हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी नई स्नो आती है ना पहली स्नो तो वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना स्लिपरी और आइसी बना देती है फिर गाड़ियाँ ऐसी स्लिप हो कि इधर से इधर जाती हैं इधर से इधर जाती हैं तो लास्ट टाइम जब इसी सीज़न में एक दफ़ा स्नो हुई थी ना तो मुझे इसके बाबा ने बोला था कि इस दफ़ा बड़ा ही काम ख़राब हो गया फर्स्ट स्नो वाले दिन ही बाढ़ चलना मुश्किल हो गया था तो इसलिए मैंने उनको बताया तो जाना कि पापा वापर स्नो हो गई क्योंकि हम लोग कॉफ़ी पी के आए कॉफ़ी पी के आने से ये दि को पिक करने के दरिया तकरीबन दो ढाई घंटे का टाइम था तो ढाई घंटे में ये इतनी स्नो पड़ी है जब हम गए थे उस वक्त स्नो नहीं थी तो अब हम दोनों जा रहे हैं दिजानों को पिक करने के लिए और बस यही था जी हमारा आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग और आज की ये सारी मज़े मज़े की बातें गपशप आपको अच्छी लगी होंगी आपको मज़ा आया होगा हमारे ये व्लॉग को देख के अगर आपको अच्छा लगा है और मज़ा आया है आपको हमारा व्लॉग देख के तो कल फिर वापस आइएगा हमारे चैनल पे हमसे मिलने सेम टाइम पे सेम चैनल पे हम मिलेंगे आपके साथ एक और नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़